हाँ दादी, आप आज का जो निर्णय आ रहा है आपको कैसा लगा, पहले बताइए। ये निर्णय 5 साल में जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किया, जो गरीब जनता की सेवा की, जो उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा दिया, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया, और इस कोरोना काल में भी सभी के जीवन के लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया कि अपने पिता के मृत्यु होने के बाद भी उस श्राद्ध में नहीं गए। ये उनका त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी 38 सालों के बाद फिर से उत्तर प्रदेश में अपने काम के बल पर कोई सरकार बनने जा रही है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन रही है। और वो माने जो केंद्र की हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, और जो योगी जी की योजनाएं जो नीचे तक गरीब जनता तक भी उसका लाभ मिला, और लोगों ने न जाति देखा न धर्म देखा, वो केवल मोदी और योगी का काम देख करके आपने वोट को मतदान किया। जयशंकर जी, ये बताइए, आपने जो विकास के वादे किए, जो बताया कि आप बलिया का इस तरह से विकास होगा, आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी है, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे आप? एकदम जो मैंने कहा वो आप लोग के कैमरे में और आप लोग के मोबाइल में रिकॉर्ड है। एक एक करके 5 साल में सब पूरा करूंगा। जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय बलिया की जनता की है, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी की है, हमारे पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले हमारे माननीय अमित शाह जी की है, हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी की है, हमारे भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं की। विधायक जी ये कहेंगे 7 दिनों से ईवीएम की निगरानी की जा रही थी यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो देखिए, वो अपने हार को खींच को मिटाने के लिए ये सब उन लोग का षड्यंत्र था, नाटक था। मैंने ये बताया, ईवीएम का यदि कोई दोष था तो इनकी सरकार 2017 में थी, वो हम 325 सीटें पाए थे, वो भी इसी ईवीएम से चुना हुआ था। तो ये कहने की बातें हैं कि भाई अब अपने देहात में बोलते हैं ना कि रोए के रहे अखिए खुद आ गए।